80 का अटैक पर उतना ही अच्छा डिफेंस एक नंबर के खिलाड़ी द्वारा। रावत उत्तराखंड से और रामनगर के कानिया गांव में तो वॉलीबॉल प्रतियोगिता फर्स्ट रेफरी है योगी पांडे नैनीताल और सेकंड रेफरी के रूप में देहरादून का मैच है क्वार्टर फाइनल। ये अपनी देहरादून की टीम और ये टीम अपनी नैनीताल की और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद कुछ ही टाइम बाद गेम शुरू होने वाला है और देखिए पब्लिक की काफ़ी भीड़। देखिए आज पहला दिन है, टॉस हुआ है और टॉस मुझे लगता है कि नैनीताल की टीम ने जीता और साइड सर्विस ली है और इन्होंने साइड ली है कोर्ट लिया है। तो ये कमेंट्री बॉक्स की तरफ की जो कोर्ट है वो है टीम देहरादून और टीम नैनीताल की टीम कमेंट्री बॉक्स के अपोजिट की तरफ की टीम है। और इस प्रतियोगिता के इस मैच के लिए कुछ प्राइज भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पहाड़ी बास्केट, मैंने आपको बताया कि पहाड़ी पर देहरादून की टीम और ये नैनीताल की टीम देखिए और क्लोज दिखाएंगे ये देखिए। और कुछ ही टाइम में मैच स्टार्ट होने वाला है वो नैनीताल वाले अपने ये देहरादून वाले एक एक मैच जीत गए हैं। क्वार्टर फाइनल है इसके बाद ये क्वार्टर फाइनल चल रहा है और जो भी जीतती है सेमीफाइनल में। देहरादून ये भी सही खेलेंगे वैसे मेरे लग रहा है जो मैच चलता हुआ नैनीताल की टीम तो सर्विस होती हुई और इस अटैक पे है यार खिलाड़ी काफी अच्छा अटैक लेकिन उतना ही सुंदर रिसीव किया है बॉल को। देखते रहिए एंजॉय कीजिए। देखिए ड्रॉप से अंक लिया अपनी टीम के लिए पहला अंक वन लव कस्टू। काफी अच्छी सर्विस देखिए दोनों ही टीमों में काफी एक्सपीरियंस और युवा जोश शामिल। और देखिए वन ऑल पहले ही अंक पर बराबरी कर लिया नैनीताल की टीम ने और दोनों ही टीमों में ये काफी अच्छा था लेकिन उतना अच्छा डिफेंस था जीत बीच का एक नंबर जर्सी में। कहाँ दे देंगे देखिए ड्रॉप कितना जाती है टीम के लिए लेकिन बॉल मिलेगा देहरादून एक टीम को 2-1 का स्कोर। देखिए इस बार लाइन से बाहर एक नंबर की जर्सी में है मैदान के आसपास जितने भी हमारे दर्शक आए हुए हैं माताएं बहनें आई हुई हैं तो मैदान के बाहर सीटें लगी हुई हैं कुर्सियां लगी हुई हैं तो कृपया आप उन कुर्सियों में बैठकर विराजमान होकर इस मैच का आनंद उठाएं और इन खिलाड़ियों से मेहमान खिलाड़ियों से प्रेरणा लें और अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करने का एक लक्ष्य बनाएं। इस बार अटैक पहले काफी सुंदर प्रहार एक नंबर की जर्सी में है तेजस्वी देखिए लेकिन उतना ही प्यारा था तिवारी जी जो कि हमारे इस खेल के बहुत बड़े शिक्षक भी हैं और बहुत तन्मयता से इस प्रतियोगिता में लगे रहते हैं। और पहाड़ी बास्केट की तरफ से कैलाश तिवारी जी ने अगर ये मैच जीतती है देहरादून की टीम तो किरण थापा
के लिए, कीर्ति थापा के लिए 251 रुपए का प्राइस उन्होंने दिया है। अगर वो जीतते हैं तो 251 रुपए का प्राइस उनको दिया जाएगा। और साथ ही कैलाश तिवारी जी ने कमेंट्री बॉक्स में भी 151 रुपए का प्राइस हमारे लिए यहाँ पे दिया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार तालियां बजाएं सर के लिए। थैंक यू। दुकान तक लेकर जाएंगे और मेरी उम्मीद है कि आप अपने पूरे स्टाफ को बहुत अच्छा स्टाफ अगर रखेंगे और थोड़ा सा अच्छे स्टाफ के साथ साथ में कोचिंग सेंटर जो आपका है उसमें आप नई टेक्निक से भाई काफी मेहनत करते हुए एजुकेशन जैसा ही गाइस आप देख रहे हो कुछ देर में देहरादून वर्सेज नैनीताल का मैच से आपको रूबरू कराएंगे। ये कुछ ही क्षण में मैच स्टार्ट होने वाला है। देखिए काफ़ी एंजॉय आने वाला है मैच में। दोनों काफ़ी तगड़ी टीमें हैं। देखिए एंजॉय कीजिए। ये दोनों एक एक सेट जीत चुकी हैं। इस मैच के तुरंत बाद जो मैच होना है वो होना है हल्द्वानी वर्सेस देहरादून बी। तो दोनों ही टीमें मैदान के आसपास रहें और वार्म अप मैदान के बाहर कर लें। देहरादून बी बैटमैन रिसीव करती है बॉल को। देखिए इस बार का परिहार शीतल का कोई जवाब नहीं उसका नैनीताल की टीम के तेजस्वी के पास। फाइन में देखिए इस बार काफी तेज अटैक करना चाहती थी लेकिन नेट से बचती बॉल। 10 नैनीताल 23 देहरादून 12 नंबर के खिलाड़ी अटैक पे और चेक किया और पॉइंट मिला देहरादून की टीम को 24-10 सेट पॉइंट है देहरादून के लिए। सेट पर सेट नैनीताल की टीम और देखिए उतना ही शानदार इसे फिनिश के सेट जीत लिया है 25-11 से। काफी अच्छा मैच रहा है देहरादून में बड़ी आसानी से। इस मैच का दूसरा साइड स्टार्ट होता हुआ देहरादून पहला साइड जीत चुकी है। और इस पहाड़ी बास्केट का हमारी टीम की ओर से कैलाश चंद तिवारी जी जो कि पहाड़ी बास्केट के ओनर हैं। कैलाश चंद तिवारी जी हमारे कॉमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें यदि हमारी आवाज सुन रहे हैं तो। कैलाश चंद तिवारी जी और देहरादून की ओर से सर्विस 12 नंबर के खिलाड़ी और 9 नंबर की जर्सी में देखी नहीं और देखिए 12 नंबर के खिलाड़ी अटैक पे बहुत अच्छा अटैक और देखिए आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग और जिसका फायदा मिला नहीं। काफी अच्छा डिफेंस एक नंबर की खिलाड़ी द्वारा और जिसका फायदा नहीं मिला लेकिन पूरा एफर्ट दिया था गेम के लिए 100% अपनी टीम के लिए एफर्ट डाल रही है। और देखिए अच्छा डिफेंस 18 नंबर के लिफ्ट लिया 12 नंबर अटैक और नेट पे बॉल फंसा और नाकामयाबी हासिल हुई और पॉइंट मिला नैनीताल की टीम को और स्कोर हो चुका है 4-7। और ये देखिए रेफरी का इशारा एक बार विसल बजी पॉइंट मिला है नैनीताल की टीम। और ये देखिए किस तरह से एकदम और अटक गई बॉल पूरी नेट पे उलझ गई। 6-7 का स्कोर एक अंक पीछे है नैनीताल बराबरी से। अपलोड करने में नेट का भी प्रॉब्लम है। अच्छा डिफेंस पूरा मौका ही नहीं मिला इन पास किया
अठारह नंबर ने लिफ्ट किया, नाइन नंबर के और देखिए एक पावरफुल अटैक बाहर कर सके लगी बॉल। बारह नंबर के खिलाड़ी देहरादून के भी और देखिए ये आउट सर्विस पूरा खिलाड़ी का एकदम वेल जजमेंट था। और नैनीताल वर्सेस पिथौरागढ़, तो नैनीताल की टीम यही रहेगी ग्राउंड पे और पिथौरागढ़ से इनका मैच होना है, तो पिथौरागढ़ की टीम भी ग्राउंड पे आ जाएंगे वार्म अप कर ले। अच्छा डिफेंस और एक बार फिर से बाहर में खिलाड़ी ने हल्का सा उंगलियों से प्रेस किया और पॉइंट हासिल किया, तो 11-10 का स्कोर। थक गई अभी और टाइम आउट किया गया है, घर पे रखा रहता है। नैनीताल की टीम ने टाइम आउट किया है, तो स्कोर जो हमारा है 14-12 प्ले द म्यूजिक हासिल किया अटैक के लिए। और देखिए 12 नंबर के खिलाड़ी ने काफी अच्छा अटैक किया और 15-12 तीन आगे है देहरादून की टीम और लगातार साफ होते हुए और दर्शकों की भीड़ बढ़ते हुए चारों ओर से मैदान होगा। और जैसे अभी एक घंटे बाद आप देखेंगे तो आपको अगल बगल होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो यहाँ मिलता होगा हमारे खिलाड़ियों का समर्थन करिए और काफी अच्छा नाइट नंबर 23 पास तोड़ने में टूटा और एक और पॉइंट 18-14 का स्कोर लगातार देहरादून एक एक पॉइंट अर्जित करते हैं और और इस तरह की टीम ग्राउंड पर आ जाए वार्म अप कर लें। और देखिए खड़ा अटैक करने का प्रयास किया और नेट में बॉल उलझा ली और पॉइंट नहीं मिला और डंक आगे है और देखिए एक और रन आसानी से देहरादून की टीम। अब देखिए एक एक अंक आगे बढ़ती जा रही है और नैनीताल के उतना ही ये मुकाबला एक नंबर के खिलाड़ी नैनीताल के आउट अटैक किया और पॉइंट मिला है देहरादून की टीम को 22-14 जो जैसा हम पता है हमें आगे लगी ने इससे पहले देहरादून की टीम ने जीत गई टीम जीत गई देहरादून की और जीत गया नैनीताल को गेम में बने रहना है तो ये साइड जीतना होगा और एक और पॉइंट मिल गया है देहरादून की टीम को 23-14 का स्कोर। और देखिए नैनीताल के खिलाड़ी अटैक पर और देखिए दो नंबर खिलाड़ी हल्का सा अंडर पास किया और नाइन नंबर के खिलाड़ी अटैक पर और देखिए अपने हाथों में रोल करते रह गए नाइन नंबर खिलाड़ी और मैच पॉइंट है देखिए देहरादून के लिए मैच पॉइंट 14 तो देहरादून मैच पॉइंट पर पहुंच चुकी है लगातार पॉइंट लेते हुए और देखिए इसी के साथ देहरादून ने यह मैच जीत लिया है। नैनीताल ग्राउंड में ही बनी रहेगी उनका जो मैच होना है पिथौरागढ़ से, तो हैंड चेक कर लीजिए दोनों ही रैफरी महोदय आ चुके हैं दोनों ही टीमों के खिलाड़ी हैंड चेक करके जाइए और नैनीताल की टीम ग्राउंड पर ग्राउंड पे आ जाए और वार्म कम से कम 5 मिनट का समय उन्हें दिया जाएगा वार्म के लिए। थापा अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स की ओर आ जाएं अपना चलें नाम ले लीजिए। 251 की धनराशि की थापा जी को केदार सिंह तिवारी जी ने मैं तो पूरा आनंद ले लिया है। अरे चल नहीं रहा तिवारी जी के हाथों से ही मेरे सामने भेंट हम देंगे तो बहुत अच्छा सहयोग।
आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहूँगा।